प्रेरणा कथा आईने वाली लड़की। उसको सब आईने वाली लड़की कहते थे। वो हाथ में एक छोटा सा आईना लेकर घूमती थी। उस दिन वो बहुत भूखी और कमजोर दिख रही थी। उसने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी किसी तरह शक्ति संकलित करते हुए वो चली जा रही थी। उसको अपने आसपास की निर्दयी दुनिया का आभास था। बहुत ही अकेली महसूस कर रही थी। कई घंटों से वो सड़कों पर निरुद्देश्य ही घूम रही थी। उसकी माँ तो उसको जन्म देते हुए ही मर गई थी। जब वो 7 साल की थी, उसके पिता भी चल बसे थे। पिछले 3 सालों से वो सड़कों पर ही रह रही थी। कुछ मिल गया तो खा लेती थी, लोगों के छोटे मोटे काम कर लेती थी और कुछ पैसे कमा लेती थी, परंतु वो कभी भी भीख नहीं मांगती थी। तेज हवा में उसके लंबे काले बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, परंतु न तो उसको हवा की ही परवाह थी, न ही अपने उड़ते हुए बालों की। उस दिन दिवाली की रात थी। सड़क के दोनों तरफ के मकान रंगीन बत्तियों से सजे हुए थे। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। लोगों के घरों की खिड़कियों से वो झांक कर अंदर की चीजें देखती जाती थी। बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें घरों के अंदर सजी हुई थी। मेजों पर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। किसी किसी खुली खिड़की से स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू भी बाहर आ रही थी। घरों के दरवाजों पर और अन्य स्थानों पर मिट्टी के दिए भी जल रहे थे। सभी लोगों ने साफ सुंदर नए कपड़े पहने हुए थे। उस आने वाली लड़की के पास भी एक माचिस की एक डिबिया थी। वो भी किसी मिट्टी के दिए को जलाना चाहती थी। उसने माचिस की एक तीली जलाई। वो रंगीन माचिस थी, जैसी दिवाली पर मिला करती है। चमकीली रंगीन ज्वाला को देखकर वो बहुत ही खुश हो गई। वो जलती हुई माचिस की तीली को अपने आईने के सामने लाई। अचानक आईने में वो तीली की ज्वाला बहुत बड़ी दिखने लगी। अचानक उसको लगा कि आईने से लक्ष्मी देवी बाहर देख रही थी। आईने में से चंदन की खुशबू आने लगी। वो लड़की चकित हो गई। उसको सब कुछ जादुई सा लगा। उसने आईने में दिख रही लक्ष्मी देवी को छूने का प्रयास किया, परंतु उसकी माचिस की तीली बुझ गई और देवी गायब हो गई। उसके हाथ में आईना और जली हुई माचिस की तीली ही रह गई। उसने तुरंत ही एक और तीली जला दी। जैसे ही माचिस की तीली जलने लगी, उसने देखा कि जिस दीवार के पास वो खड़ी थी, वो दीवार पारदर्शी हो गई और उसको दीवार के अंदर का सब कुछ दिखने लगा। अंदर एक कमरे में उसने एक मेज पर बहुत सी खाने की स्वादिष्ट चीज़ें देखी। उसने खीर का एक कटोरा भी देखा। वो खाने की चीज़ें उस लड़की की तरफ आने लगी। जैसे ही उसने उन खाने की चीज़ों को छूने का प्रयास किया, उसकी माचिस की तीली बुझ गई और सब कुछ गायब हो गया। सामने सिर्फ लाल रंग की दीवारें थी। उसने एक और तीली जलाई। इस बार उसके आईने में उसको हजारों चलते हुए दिए दिखे। बहुत से लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे भी दिखे। उसने उनको छूना चाहा, परंतु उसकी माचिस की तीली बुझ गई। इस बार आईने के अंदर दिख रहे जलते हुए दिए गायब नहीं हुए। दिए उसके आईने से ऊपर उठने लगे। उसके आईने से निकलकर वो जलते हुए दिए ऊपर आकाश में जाकर तारे बन गए और चमकने लगे। वो बचपन का एक गीत गाने लगी। अचानक उसके चारों तरफ छोटे छोटे प्रकाश के टुकड़े गिरने लगे। कोई भी प्रकाश का टुकड़ा उसके शरीर पर नहीं गिरा। अचानक उसने एक गिरता हुआ तारा देखा। उसने सोचा कोई भगवान के पास जा रहा था। उसके पिताजी ने उसको बताया था कि जब कोई तारा टूटकर गिरता है, किसी एक मनुष्य की आत्मा ऊपर आकाश में भगवान के पास चली जाती है। उसने फिर से एक माचिस की तीली जलाई। इस बार उसने अपने आईने में अपने पिता को देखा। उसके पिताजी पहले से बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। वो खुशी से रोने लगे। ओ पिताजी, मेरे पिताजी, मुझे अकेली छोड़कर मत जाइएगा। वो जल्दी जल्दी एक के बाद एक माचिस की तीलियां जलाने लगी। उसको डर था कि तीली बुझते ही पिताजी गायब हो जाए। कुछ देर में उसके पिताजी ने उसको ऊपर उठा लिया और दोनों ऊपर उड़ चले। बाप बेटी
प्रभु के स्वर्ग में एक बहुत ही सुंदर स्थान में साथ साथ रहने लगे। वो ऊपर से पृथ्वी को देखते थे परंतु फिर पृथ्वी पर जाना नहीं चाहते थे। अगले दिन जब उस आने वाली लड़की का मृत शरीर लोगों ने देखा, उन्होंने कहा बेचारी भूख से मर गई। कोई नहीं जानता था कि दिवाली की रात उस रात क्या चमत्कार हुआ था। मित्रों, ये कहानी अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहानी का रूपांतरण है। कुछ अन्य बातें इस कथा में जोड़ दी गई है ताकि ये कथा बच्चों को आकर्षित कर सके। हो सके तो अपने बच्चों को भी ये कहानी सुनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।